नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में आप सभी दर्शकों को बताए हैं कि वनस्पति में काफी शक्ति होती है। वनस्पति की तुलना अमृत से किया जाता है। आपने जरूर सुना होगा कि एक ऐसा वनस्पति पाए जाते हैं हमारे भारत भूमि में जिसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इससे मृत व्यक्ति जीवित हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में जो बताए गए जानकारी हैं, तो कृष्ण एरंड यानी कि जो काले कलर की एरंड होती है, शायद आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा हो तो होगा तो सुन लीजिए। जो एरंड होते हैं जिसे हम अरंडी के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्टर ट्री बोलते हैं, जैसे कि कॉस्टर ट्री का ऑयल आता है कॉस्टर ऑयल, जिसे हम अरंडी का तेल बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं ये सफेद कलर की होती है, दूसरा जो होते हैं लाल कलर के होते हैं, तीसरा जो होते हैं ये काले कलर के होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शास्त्रों में लिखे गए जानकारी बताने वाला हूँ कि जो काले कलर के एरंड होते हैं ये तंत्र के दृष्टि से और आयुर्वेद के दृष्टि से, साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे लिए कितना बेनिफिट होता है, क्या इसे हम स्वर्ण बना सकते हैं, क्या इसे हम अदृश्य हो सकते हैं, क्या इसे हम बहुत सारी क्रियाओं को कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की जानकारी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। देखिए छोटा सा स्क्रीनशॉट देख लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे भगवान शंकर परशुराम को कहते हैं कि हे परशुराम, अब इसके तीसरे कल्प को कहता हूँ, यानी जो कहा जाए काले कलर की एरंड है उसके बारे में कहता हूँ कि इसका विशेष रूप से श्रवण करो। अपने कोष्ठ को शुद्ध करके कृष्ण एरंड के तेल को कृष्ण गौ के दूध के साथ, ध्यान दीजिए, अपने कोष्ठ को शुद्ध करके कृष्ण एरंड के तेल को कृष्ण गौ के दूध के साथ किसी व्यक्ति द्वारा यदि पान किया जाए तो उस व्यक्ति को देवगण भी जल्दी नहीं देख सकते, यानी कि देवी देवता अगर जो व्यक्ति इसे खाते हैं तो इसे देख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण गौ के दूध यानी कि काले कलर के जो गाय है उसके दूध और मधु के साथ, यानी कि जो शहद होते हैं उसके साथ कृष्ण एरंड के तेल को मिलाते हुए अंजन स्वरूप बना करके यानी कि काजल बना करके यदि आंखों में लगाया जाए तो लगाने वाले व्यक्ति मध्यान्ह सूर्य के समय में 7 पातालों को भी देख सकता है। मध्यान्ह समय में यानी कि जो दोपहर का समय होता है उसमें 7 पातालों को, जो हमारे नीचे का लोक होता है, उतल तुतल भूतल जो 7 पाताल है वहां को देख सकता है। धन दौलत है नीचे में गड़े हुए, जमीन में गड़े हुए जो देवी देवता का मूर्ति है, जमीन में गड़े हुए जो खजाने हैं, जमीन में गड़े हुए जो पुराने कुछ भी चीज है, सारे चीजों को आप जो 7 पातालों तक देख सकते हैं। सबके सारभूति से श्रीदेव को विशेष रूप से मैंने तुमसे कहा, इस कृष्ण एरंड के तेल के साथ यदि पारद का मर्दन किया जाए तो, ध्यान दीजिए, जो कृष्ण एरंड के तेल होते हैं इसके साथ यदि पारद का मर्दन किया जाए, पारद मतलब होता है पारा, जी हाँ मित्रों, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, इसका अगर मर्दन किया जाए, घुटाई किया जाए तो वह सर्वथा एक नवीन रूप धारण कर लेता है। उस पारद के भस्मों को यदि वंग में मिलाया जाए, वंग मतलब होता है रांगा, तो उस पारद के भस्मों को यदि रांगा में मिलाया जाए तो वह जो रंगा होता है क्षण मात्र में शस्त्र अंश से विदित हो जाता है, शस्त्र अंश से विदित होकर के क्या हो जाता है, ये सोने बन जाते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे इस एरण कल्प को कहा। तो मित्रों इस प्रकार भगवान शंकर जो है परशुराम को जानकारी बताते हैं स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में कि किस प्रकार से जो काले कलर की एरंड होते हैं ये आयुर्वेद के दृष्टि से, ये तंत्र के दृष्टि से बेनिफिट पहुंचाते हैं, किस प्रकार से इसका स्वर्ण बनाते हैं, ये जानकारी छोटे से जो है भगवान शंकर जी परशुराम को बता रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे प्राचीन ज्ञान की जानकारी बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जरूर जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।